दोस्तों आपने सोनभद्र का तो नाम सुना ही होगा, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य में ही पड़ता है, जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। और चलिए हम उसको बात करते हैं, वहाँ पे किस तरीके से सोना निकल रहा है और किस तरीके से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ से मिट्टी में जब खुदाई होती है तो कहीं कहीं सोना निकलता है, कहीं कंकड़, कहीं पत्थर, कहीं कोयला, कुछ में कुछ निकलता रहता है। ठीक वैसे ही आज अभी वायरल हो रहा है ये वीडियो कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो है खुदाई के दौरान सोना निकल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 टन सोना निकला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ 160 किलो सोना निकला है इस मिट्टी में। तो यहाँ के लोग थोड़े बड़े प्रभावित हैं और ये न्यूज़ पूरे भारत में क्या पूरे दुनिया में फैल चुका है। और आप देख रहे हैं कि सोने की खुदाई जो है लोग कर रहे हैं। और ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ इतना ही मतलब है ताकि आपको सच्चाई से रूबरू करा सकूं कि खुदाई के दौरान जो भी सोना निकलेगा मैं उसका अपडेट आपको देता रहूंगा। और वहाँ के जो रहन-सहन है वहाँ पे आज भी वैसे गांव के जैसे ही लोग रहते हैं और सब कुछ मतलब बिल्कुल नॉर्मल ही है। कुछ उसमें वो नहीं है कि जो इतना अफड़ा तफड़ी मचा हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग बिल्कुल सही तरीके से और समझदार लोग हैं। चलिए मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए आरके टूल। जय हिंद, जय भारत।